ये ढाल। द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण आतेन को तजिए सुजान सुन तिन सौते पकहूँ बखान ये जीव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश में होकर जन्म मरण के दुख सहन करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए हे भव्य जीवों, इन तीनों को जानकर छोड़ देना चाहिए। आगे मैं संक्षेप में उनके स्वरूप का व्याख्यान करता हूं, सो उसे सुनो। आदि प्रयोजन भूत तत्व सरधय तेन माहि विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरति चिन मूरति अनूप। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व आत्मा के लिए प्रयोजन भूत हैं, अर्थात इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। इनको जाने बिना किसी को भी अपने स्वरूप का भान नहीं हो सकता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इन सातों तत्वों के स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करता है। आत्मा का स्वरूप उपयोगमयी है, अमूर्त है, चिन्मूर्ति है और अनुपम है। गलन भधर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पांच अजीव तत्व के भेद हैं। इनसे जीव का स्वभाव न्यारा है, अर्थात बिल्कुल भिन्न है। मिथ्या दृष्टि जीव इस यथार्थ बात को न समझकर और विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है। मैं सुखी दुखी मही रंक राव मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सुततिय मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्या दर्शन के कारण ये जीव ऐसा कहता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राजा हूं, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये गाय भैंस मेरी है, ये मेरा प्रभाव और ऐश्वर्य है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी स्त्री है, मैं सबल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं कुरूप हूं, मैं मूर्ख हूं और मैं बुद्धिमान हूँ। तन उपजत पनि उपजि जान तन नशत आपको नाशिमान रागादि प्रकट ये दुख देन तिनही को सेवत गिनत चैन।
मिथ्या दर्शन के कारण ये जीव शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर के नाश को अपना मरण मान लेता है। और जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ को अपना मानता है उन्हीं का सेवन करता हुआ सुख गिन लेता है। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रतिय रति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व में बांधे हुए शुभ कर्म के फल भोगने में राग और अशुभ कर्म के फल भोगने में द्वेष करता है, क्योंकि वो अपने आत्मा के रूप को भूला हुआ है तथा अपनी आत्मा की भलाई के कारण जो वैराग्य और ज्ञान है उन्हीं को अपने लिए दुखदाई समझता है। न चाह निज शक्ति खोय शिव रूप निराकुल तान जोय चाही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मा की शक्ति को खोकर न तो अपनी इच्छाओं को ही रोकता है और न चिंता रहित आनंद स्वरूप मोक्ष सुख को ढूंढता है। ऐसी विपरीत श्रद्धा सहित जो कुछ ज्ञान होता है उसी को कष्टदाता अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। न जुत विषय निमेदो प्रवृत्तता को जानो मिथ्याचरेत यू मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। अग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ पांचों इंद्रियों के विषय में जो अनादि काल से प्रवृत्ति चली आ रही है उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। इस प्रकार अग्रहित मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया। आगे ग्रहित मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया जाता है, सो उसे हे भव्य जीव सावधानी पूर्वक सुनो। को धर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा चिरकाल के लिए दर्शन मोहनीय कर्म को पुष्टि करती है, अर्थात कुगुरु कुदेव आदि की सेवा उपासना करना ही ग्रहित मिथ्या दर्शन है। आगे इन तीनों का स्वरूप क्रमशः कहते हैं, जो अंतरंग में राग द्वेष मोह आदि को धारण करते हैं और बहिरंग में धन वस्त्र आदि परिग्रह से संयुक्त हैं। धारे कुलिंगल ही महत भाव ते कुगुर जन्म जल उपल नाव जे राग द्वेष मल करिमलीन वनिता गदादि जुत चिन्न चीन। जो अपना महंत भाव प्रकट करने के लिए जटाजूट धारण करते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं, नाना प्रकार के तिलक मुद्रा आदि लगाते हैं, उन्हें कुगुरु जानना चाहिए। ऐसे कुगुरु संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए पत्थर की नाव के समान हैं,
जो देवता राग द्वेष रूपी मैल से मलिन हैं, स्त्रियों को साथ लिए फिरते हैं, गदा शंख चक्र आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करते हैं, उन्हें कुदेव जानना चाहिए। ते हैं कुदेव तिन की दुसेव, छठ करतन तिन भव भ्रमण चेव, रागादि भाव हिंसा समेत, तर्वित त्रस थावर मरण खेत। जो शठ कुदेवों की सेवा उपासना आदि करता है, उसके संसार परिभ्रमण का अंत कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो संसार सागर में चक्कर लगा रहे हैं, वे दूसरों को कैसे पार उतार सकते हैं। जो क्रियाएं राग द्वेष आदि भाव हिंसा से युक्त हैं, जिनके करने से त्रस स्थावर जीवों की द्रव्य हिंसा होती है, उन क्रियाओं को कुधर्म जानना चाहिए, क्योंकि द्रव्य भाव हिंसा से व्याप्त कुधर्म का श्रद्धान करने से जीव दुखों को ही पाता है। जे क्रिया तिन्हें जानू कुधर्म, तिन सरदय जीव लहे अशर्म, याकू ग्रहीत मिथ्यात जान, अब सुन ग्रहीत दो है अज्ञान। इस प्रकार उपयुक्त कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने को गृहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए, क्योंकि यह मिथ्यात्व इसी जन्म में ग्रहण किया गया है। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। जो शास्त्र एकांतवाद से दूषित हैं, पंचेंद्रियों के विषयों के पोषक हैं, हिंसा झूठ चोरी व्यभिचार आदि निंद कृत्यों के प्ररूपक होने से अप्रशस्त हैं, ऐसे कपिल आदि के द्वारा बनाए गए शास्त्रों का अभ्यास करना, पढ़ना पढ़ाना गृहीत मिथ्या ज्ञान है, और यह बहुत दुखों को देने वाला है। ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करत विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन। जो पुरुष आत्मा अर्थात स्व और अनात्मा अर्थात पर के ज्ञान से रहित होकर तथा अपनी ख्याति यश कीर्ति अर्थ लाभ और पूजा प्रतिष्ठा आदि की इच्छा को धारण करके शरीर को जलाने वाली नाना प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, जिनसे केवल शरीर ही क्षीण होता है, आत्मा का कोई भी उपकार नहीं होता, उन सब क्रियाओं को गृहीत मिथ्या चरित्र जानना चाहिए। ये सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंत लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। पंडित दौलतराम जी अपने आप को तथा अन्य भव्य जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मन, तो इस जग जाल के परिभ्रमण को त्याग दे और अपनी आत्मा के हित में लग जा,
और अपने आप में आनंद प्राप्त कर